ओम शांति। आज की तारीख है 21/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा। जो गरीब नवाज है तो वो गरीब बच्चों को आकर के अपना वारिस बनाकर उनको मुट्ठी चावल के बदले में महल देता है। तो आइए सुनते हैं ऐसे गरीब नवाज बाप क्या गरीबों के लिए कहते हैं। तो गरीब नवाज बाप बोले, मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवास। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले शाहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। प्रश्न है, असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वो इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते रहते हैं? उत्तर है, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहाचारी बैठती है, तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोल बोलते हैं, यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। माया थप्पड़ मार इनसॉल्वेंट बना देती है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक है कि पहला अवगुण जो देह अभिमान का है, उसे निकाल कर पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। नंबर दो, अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिल रहा है उसका दान करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। मुख से रत्न ही निकालने हैं, इविल बातें नहीं सुननी है। वरदान सतगुरु बाबा का, रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। मीठे मीठे सतगुरु बाबा कहते हैं कि प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती है, अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से ये दुख की दुनिया संपन्न माना समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहाँ रहना होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। स्लोगन है, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हो तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।